एक्चुअल में ऑफ रोड हम लोग। हाँ हाँ लैंडस्लाइड के पत्थर है भाई ये सारे। ऐसी जगहों पे ना सीरियसली भाई, स्पेशली बाइक ड्राइव कर रहे हो ना, बाइक राइड कर रहे हो तो बहुत रिस्क रहता है यार। कहना भाई बड़े गंदे होते हैं सीरियसली, जब मर्जी कुछ भी गिर जाता है। बड़ा आगा है मेरे ख्याल से ये देखो भाई, आई थिंक सो रोड यहीं तक ही है। एंड रोड का लेट्स गो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्रांड व्लॉग। वाह भाई ये लोकेशन अभी गाइस पार्वती वैली में, ये मेरे को जगह का नाम नहीं है पता कि इस जगह का एक्चुअली क्या नेम है, बट बहुत सारे गड्ढे हैं भाई इस वाले रोड पे। अमन भाई माँ का समसे रुकता नहीं है कभी, ऐसे चलता जैसे कि पता नहीं कहाँ की जल्दी है भाई इसको। इसने ले लिया ओवरटेक, अब मैं रह गया है। ये होता है माउंटेन्स, माउंटेन्स में यही होता है। अमन के साथ में टायर से टायर मिला करके नहीं चल सकता। हाँ ऑफ रोड में तो चलूँगा टायर से टायर मिला करके, बट चलो चलो गाइस। भाई ये रोड नहीं है भाई, इसको बोल सकते हैं एक्चुअल में ऑफ रोड हम लोग। ओके मैन ब्यूटीफुल है, टर्न की आवाज हुई इसकी बाइक से, पत्थर बजा होगा इसके। मैन सो ब्यूटीफुल माउंटेन, व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑफ रोड मैन, सीरियसली दिस इज क्रेजी। चलो भाई शायद गांव का इलाका है, आंटी वगैरह के पास से स्लो ही चलना चाहिए, और ये जो भेड़ बकरियां हैं यहाँ से भी स्लो चलना चाहिए, बिकॉज ये लोग ना इंजन साउंड से डरते हैं भाई। तो भाई सूरज की रेना डायरेक्ट पड़ती है अपने, अब यहाँ से कहाँ को होगा रास्ता। बहुत रिएक्शन चेक आउट करो गाइस, व्हाट अ रिएक्शंस सीरियसली भाई क्रेजी। ओके 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 दिस इज अ प्रॉपर कीचड़ वाला रास्ता। सो गाइस ऐसे इसमें ना टायर भी स्लिप होते हैं, सो एक्सेलरेशन अगर सैडलिंग करके चला रहे हो तो एक्सेलरेशन भाई कांस्टेंट रखना, तुमने थोड़ा सा भी कम किया ना भाई फिसल जाओगे डायरेक्ट, ऐसा होता है। मैन लुक एट द व्यू, क्रेजी व्यू आते हैं भाई, इंटरेस्टिंग बन रहा है। बहुत टाइम बाद व्लॉग भाई अमन और मैं टुगेदर, ये जो टुगेदर वाले व्लॉग है ना अमन के और मेरे भाई, ये क्रेजी होते हैं। ये रास्ता पता नहीं कहाँ तक जाएगा भाई, वी डोंट नो ये रास्ता कहाँ तक है। यार मैंने ना अपने को बूट्स लिए है, लाइक राइडिंग बूट्स नहीं है वो, लाइक है अलग जैसा स्टफ है, लेदर टाइप के है। सो भाई क्या
ग्रिप देते हैं भाई मेरे को वो राइडिंग के टाइम पे। भाई मतलब गांव के रास्ते ना भाई लव है भाई, गांव के रास्तों से इतने प्यारे होते हैं ना भाई, भयंकर होते हैं गांव के रास्ते सीरियसली। ओके ये कोई सा गांव है शायद, आई डोंट नो गांव का क्या नाम है, बट छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ब्यूटीफुल है भाई, एक्सप्लोरिंग भाई, एक्सप्लोर ही सब कुछ है, एक्सप्लोर करते रहो। ये हमारा एरिया भाई अपनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। हाँ तो ठीक है भाई, सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करो, देन उसके बाद जो है तुम लॉन्ग टूर मारो भाई। बोलो एक बार चेकआउट करो भाई, ब्यूटी भाई, ब्यूटीफुल रोड। ब्यूटीफुल रोड है भाई सीरियसली, मैन ऐसा लग रहा है भाई ना हम किसी यू नो खुले वाले इलाके में आ गए, जहाँ पर लाइक बहुत मस्त होता है ना। वाओ गाइस अमेजिंग मैन, ये ऑफ रोड कुछ भी नहीं है भाई एक्सपल्स के लिए, ये ऑफ रोड नॉर्मल से भी नॉर्मल है। क्रेजी मैन, ओके 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 ओके, पता नहीं कौन सी जगह है भाई, ये बहुत मस्त है भाई, माउंटेन्स चेक आउट करो गाइस। पत्थर वगैरह भी गिरते होंगे यार यहाँ से, हाँ हाँ लैंडस्लाइड के पत्थर है भाई ये सारे। ऐसी जगहों पे ना सीरियसली भाई, स्पेशली बाइक ड्राइव कर रहे हो ना, बाइक राइड कर रहे हो तो बहुत रिस्क रहता है यार। यार ये वाला हाउस देखो कितना ट्रेडिशनल है और कितना मस्त लग रहा है, ब्यूटीफुल। कैंपर भी बहुत सही होती है यार, 4x4 कैंपर लाइक बहुत जान होती है भाई कैंपर्स में, लुक वाइज भले उतनी बढ़िया नहीं होती है बट जानदार होती है गाइस। जब मैं नोबी टायर डालूंगा ना यार अपनी बाइक में, तो ऐसे जितने भी पत्थर होते हैं ना नीचे, ये लो ये पत्थर जो है ना इसके ऊपर जब टायर चलेगा तो ये पत्थर भाई पीछे कूदते हैं भाई, मेरे पीछे जो भी राइडर चल रहा होगा उसके हेलमेट में बजेंगे भाई पत्थर जा जा के। ये तो शुक्र है भाई मेरी GoPro की ना एक बैटरी बची हुई है, अदरवाइज मेरी दोनों बैटरीज ना ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है भाई। सो ये हो गया था सीन। क्या बोल रही थी दद्दी, दद्दी को लिफ्ट तो नहीं चाहिए थी मेरे से, दद्दी बोलना मैं आपको बिठाता भी नहीं इस उम्र में। गाइस दिस इज भाई समथिंग न्यू, ये कुछ नया है भाई हमारे लिए, अमन के और मेरे लिए। अमन भी नहीं, आई थिंक सो डैम श्योर अमन भी नहीं कभी आया होगा भाई यहाँ पे। ये कैसा गांव है भाई, दो घर है सिर्फ यहाँ पे, ये नाले की जगह है शायद, ये छोड़ नाला है कुछ, यही है मेरे ख्याल से वो वाला।
मैन, रोड वॉज एब्सोल्युटली फकिंग गुड। रिएक्शन मिलते भाई गांव के हर एक घर से, अगर कोई देख रहा है, गांव की हर एक गाड़ी से रिएक्शन मिलते हैं भाई बाइक्स के लिए एंड अपने गोप्रोज के लिए। भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन, ये भी कोई सा नाला, आई डोंट नो कौन सा है, दिस इज ब्यूटीफुल गाइस, लाइक सीरियसली मैन। ब्यूटीफुल है ना, इस जंगल में दिख रहा है रोड एक कच्चा, कहाँ पे कहाँ पे ये वाला, कहाँ तक जाएगा ये नहीं बता, चलना इस वाले रोड को देख के आते लास्ट तक ना, ये तो बहुत ऊपर लग रहा है मेरे को, तो नहीं देखते जहाँ तक भी है ना, ये इसको देख के आते हैं। बड़ाका की तरफ जा रहे हैं हम, वो एक्चुअली वो लगा था ना वहाँ पे बोर्ड, वहाँ पर पड़ा मैंने। कुछ भी बोलो यार, ये जो गांव के जो घर होते हैं ना भाई, वेरी वेरी ब्यूटीफुल होते हैं, वेरी वेरी। आई थिंक यार मेरी वॉइस सही आ रही हो, पिछले ब्लॉग की तरह ना आ रही हो फटी फटी सी वॉइस। भाई ये देखो पत्थर ना ऊपर से गिरे हुए हैं लैंडस्लाइड से, यहाँ के पहाड़ ना भाई बड़े गंदे होते हैं सीरियसली, जब मर्जी कुछ भी गिर जाता है। वाओ यार वाओ यार वाओ, दिस इज गुड। ये अगेन हम किसी, ये आई थिंक सो बड़ागा है, ये है मेरे ख्याल से बड़ागा। भाई कुत्ते, गांव के कुत्तों से ना बहुत डर लगता है, ट्रेडिशनल टाइप हाउसेज है यहाँ पे। ओके यहाँ पर देखो भाई कुछ कुछ तो बीजा हुआ है खेतों में लोगों ने, एप्पल के सारे जितने भी पेड़ है, एप्पल भाई बिकता ही एप्पल है भाई, क्या कर सकते हैं, एप्पल जिंदाबाद। जहाँ पर भी गांव वाला एरिया जाता है ना, मैं हमेशा हर व्लॉग में कवर करता हूँ ये चीज़, स्लो हो जाया करो भाई विलेजेस एरिया से, बिकॉज गांव के जो कुछ लोग होते हैं ना बहुत टॉक्सिक होते हैं, सो कुछ पता नहीं होता यार गांव के लोगों का, लाइक बहुत सारे लोग, मैक्सिमम ऑफ द लोग आपको गांव के स्वीट मिलेंगे, बट कई लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं। ये वाला हाउस भी है प्रॉपर ट्रेडिशनल, ऐसे हाउसेज होते थे पहले हिमाचल में, ये लैंटर वगैरह छत वगैरह वाले हाउसेस तो ये अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। ये रोड भाई पता नहीं, ऊपर भाई डीप फॉरेस्ट एकदम डेंस, ओके अगेन हम किसी गांव में पहुंच गए, आई डोंट नो कौन सा गांव है यार यहाँ का, हम पहली बार आए भाई, हमको क्या पता होगा, बड़ाका है शायद गांव का नाम, बड़ागा है मेरे ख्याल से ये। ये देखो भाई, ओके अगेन ऑफ रोड होना फिर से स्टार्ट हो गया है, आई होप कि अब भाई ये रोड ख़त्म होने वाला है या कुछ तो होने वाला है ये रोड का। पीछे से हमको एक ऑफ रोड दिखा था और भी ऊपर, वो जाती वारी वहाँ वो भी, वो चीज़ भी हम जो है कवर कर लेंगे। आई थिंक सो रोड यहीं तक ही है,
एंड डेरोड का लोकेशन अच्छी है भाई। ये पहाड़ भी पता नहीं कहाँ के, ये स्नो वाले पहाड़ है जो ऐसे वाइट वाइट होते हैं ना, इन पहाड़ों पे बहुत बर्फ पड़ती है। सो चलो गाइज ये वाला ब्लॉग रखते हैं हम यहीं तक ही, मिलते हैं आपको अनदर किसी ऑफ रोड में या पार्ट टू में। मुड़ने को भी उचिए बाइक ऊपर ले, तो हम जा रहे हैं, सुनता भी नहीं है ना ये मन साला।